हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जायका है दिल्ली में। मैं आज बनाऊंगी तोरी चने की रेसिपी एंड आई होप आपको ये तोरी चने की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। जैसे कि आपको पता है कि तोरी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होती है और जब आप इसको चने के साथ बनाएंगे तो ये और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगी और टेस्टी हो जाएंगी। मैं इस रेसिपी को बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट्स के साथ बनाऊँगी और ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तोरी चने की रेसिपी। तो देखिए, तोरी चने की रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एकदम फ्रेश तोरी ली है और यहाँ पर मैं जो तोरी ली है आधी किलो तोरी ली है और उनको अच्छे से वॉश कर लिया है मैंने। और इसके बाद मैंने एक कप चने लिए हैं सफ़ेद वाले, जिन्हें छोले भी कहा जाता है, और इनको मैंने फुल नाइट भिगो के रखा था तो चने जो हैं काफ़ी फूल गए। तो देखिए, चने भी काफ़ी अच्छे से फूल गए। तो इस तरीके से चने फूले हुए होने चाहिए। और अगर आप इसको फुल नाइट भिगो के ना रखें तो आप इसे कम से कम 5 से 6 घंटे ज़रूर भिगो के रखें। और इसके बाद तोरी को छील लेना है। तो हम सारी तोरियों को छील लेंगे। तोरी को छीलना बहुत ही आसान होता है, बस इसका जो ग्रीन ग्रीन से जो लेयर है इसको हटा लेना। और इसके बाद यहाँ पे एकदम मैंने इसके राउंड शेप में कट कर लिया है। तो इस तरीके से हम सारी तोरियों को कट कर लेंगे। तो तोरियों को मैंने पहले से ही अच्छे से वॉश किया हुआ था। अगर आपने उस टाइम छीलते हुए वॉश नहीं किया है तो आप इस टाइम वॉश कर सकते हैं इसको। तोरी हमारी एकदम रेडी हो गई। तो चलिए आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक प्रेशर कुकर लिया है जिसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून भर के ऑयल ऐड करूँगी। मैं यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, यानी सरसों के तेल का यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी पसंद का, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ऑयल को यहाँ पे अच्छे से गरम कर लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे प्याज ऐड कर रही हूँ। इस रेसिपी में प्याज का थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है तो मैं यहाँ पे 4 से 5 प्याज ऐड कर रही हूँ। और इनको मैंने अच्छे से कट कर लिया था मीडियम साइज़ में। और 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे ज़ीरा ऐड किया है। ज़ीरा और प्याज को एक साथ ही फ्राई कर लेंगे। और प्याज को हमें जो है गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है, यानी प्याज से कलर ज़्यादा डार्क भी नहीं करना है, बस गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करना है। तो प्याज को हम हाई फ्लेम पे फ्राई कर रहे हैं ताकि जल्दी से फ्राई हो जाए। जल्दी से फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे 1/4 टीस्पून इसमें नमक ऐड किया है। नमक से क्या है, प्याज बहुत जल्दी से फ्राई हो जाती है। तो देखिए, प्याज जो है काफ़ी अच्छे से फ्राई हो रही है और इसको मैंने कंटिन्यूसली बीच बीच में मिक्स भी किया है ताकि प्याज जो है जले नहीं। तो देखिए, प्याज यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो गई है। इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। मैं पूरे यहाँ पे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। और इसके लहसुन अदरक के जो पेस्ट है, यानी मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, उसमें मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून प्याज का पेस्ट भी ऐड किया है इसमें। और अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर ऐड किया है। हल्दी पाउडर मैं बहुत ही कम ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं इसको गर्मियों में बना रही हूँ, तो गर्मियों में हल्दी का जो यूज़ है थोड़ा कम ही होना चाहिए। इसके बाद मैं यहाँ पे 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर का यूज़ कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। तो देखिए, मसालों का यूज़ मैं यहाँ पर बहुत कम कर रही हूँ। और यहाँ पे मुझे नमक ऐड करना है तो नमक भी मैं यहाँ पे 1/2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। और अब यहाँ पे मसालों को हमें भूनना है तो इसके लिए मैं यहाँ पे पानी ऐड करूँगी इसके अंदर। पानी ऐड करने से मसाले बहुत अच्छे से भुनेंगे, जलेंगे भी नहीं। तो मैंने यहाँ पे 1 कप भर के पानी ऐड किया है। तो अभी हम सारे मसालों को अच्छे से भूनेंगे, लेकिन मसालों को हम चने के साथ भूनेंगे। तो मैं चने भी सारे ऐड कर दे रही हूँ इसमें। और चनों को मसालों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक साथ भूनेंगे इनको। क्योंकि चनों को गलने में थोड़ा टाइम लगेगा तो इस टाइम हम जब भून लेंगे इसको तो इसका टेस्ट और भी अच्छा आ जाएगा। यहाँ पे कुकर को एक प्लेट से ढक दूंगी और पहले हम इसको मसालों को अच्छे से भूनेंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पे 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको पका लिया है। तो देखिए, मसाले यहाँ पे अच्छे से भून गए। ऐसे ही हम मसालों को अच्छे से भूनना था।
और अब हम यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी में यहाँ पे चनों को गलाने के लिए एक गिलास भर के पानी ऐड कर रही हूँ। तो देखिए इस वाले गिलास से भर के मैंने एक गिलास पानी ऐड किया है और अब बस मैं इसको हल्का सा मिक्स करके और अब मैं यहाँ पे प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा ले रही हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे 4 सीटी आने तक पकाऊंगी। हाई फ्लेम पे 4 सीटी आने तक मैंने इसको पका लिया है और अब चने जो हैं प्रॉपरली गल गए। चनों को गलाने के लिए मैंने ये प्रोसेस किया था तो चने बहुत ही अच्छे से गल गए। और अब मैं यहाँ पे तोरी ऐड कर दे रही हूँ इसमें। तो देखिए मैं यहाँ पे तोरी ऐड कर दे रही हूँ कुकर के अंदर और तोरी बहुत जल्दी से गल जाती है, इनको गलने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अब तोरियों को चने में मसालों में अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं और इसमें आपको पानी ऐड करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है कि हरी सब्जी है, अगर तोरी को आप पकाएंगे तो इसमें से काफ़ी ज़्यादा पानी निकलेगा, तो इसीलिए आपको इसमें पानी ऐड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और अब बस क्या करना है, हमें प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देना है और हमें इसके अंदर अभी हमें इसे खूब सारा गलाना है अच्छे से। 1 सीटी आने तक मैं यहाँ पे गलाऊंगी इसको हाई फ्लेम पे। तो देखिए हाई फ्लेम पे 1 सीटी के बाद हम इसको चेक कर रहे हैं। तो देखिए तोरी यहाँ पे 1 सीटी में अच्छे से गल गई है। अभी मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी। तो अगर आप इसको राइस के साथ खाना चाहते हैं तो एकदम परफेक्ट तैयार है और अगर आप इसको रोटी के साथ खाएंगे तो इसको भून लें क्योंकि रोटी के साथ अगर आप खाएंगे तो ग्रेवी जो है थोड़ी थिक होनी चाहिए। और रेसिपी बनके तैयार हो गई है, गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।